दोस्तों कैसे आप सभी। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज एक दुखद दिन बोल सकते हो, क्योंकि बजाज पल्सर 220F का प्रोडक्शन फाइनली स्टॉप हो गया है ऑल ओवर मैन्युफैक्चरिंग में बजाज के। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी शौकाने वाली बात है, क्योंकि ये एक ऐसी गाड़ी थी, जब ये आई थी इसने तहलका मचा दिया था। ये आई थी 2007 में, और 2007 में इस गाड़ी को एज अ यंगस्टर के लिए बहुत अच्छी गाड़ी मानी जाती थी, और काफ़ी माचो गाड़ी मानी जाती थी, शो ऑफ के लिए काफ़ी अच्छी गाड़ी मानी जाती थी। और जितना परफॉर्मेंस उस टाइम ये प्रोवाइड करती थी, शायद कोई दूसरी गाड़ी प्रोवाइड भी नहीं करती थी। हालांकि इस गाड़ी ने काफ़ी साल सर्वाइव किया है इंडियन मार्केट में, लेकिन फाइनली आज है 12 नवंबर, इस गाड़ी का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया, टोटली स्टॉप कर दिया गया। हालांकि आप लोगों को पता ही होगा पल्सर का 250F मॉडल आ चुका है, वो अब लोग ज़्यादा परचेस करते हैं एंड उसी को ही कंटिन्यू करना चाहती है कंपनी। ये 220 वाला जो इंजन है, इसको पूरा का पूरा स्टॉप कर दिया गया है इंडियन मार्केट से। जितना अभी तक स्टॉक बचा है, अगर आपको परचेस करना है तो कर सकते हैं, लेकिन अब आपको ये गाड़ी कभी भी नहीं देखने को मिलेगी। मेरे को ये गाड़ी से काफ़ी अटैचमेंट इसलिए है, क्योंकि ये गाड़ी देखने में बहुत अच्छी थी उस समय की राजा गाड़ी मानते थे, टूरिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी है। हालांकि हर गाड़ी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, इस गाड़ी में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट में ये 220cc का इंजन मिलता था, तो लोग सोचते थे क्यों ना ऐसी गाड़ी को ही परचेस किया जाए जो काफ़ी हाई सीसी की भी है लेकिन कम प्राइस में आती है। लाइक इसका प्राइस था 1,34,000 अभी के सिनेरियो में, मतलब करेंटली जो प्राइस था इसका 1,34,000, और जब ये लॉन्च हुई थी तब तो काफ़ी कम प्राइस में लॉन्च हुई थी। और बोल सकते हो एक वर्सेटाइल डिज़ाइन था इस गाड़ी का, स्पोर्टी डिज़ाइन था इस गाड़ी का, जिसको काफ़ी लोग पसंद करते थे, इवन मैं भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। हालांकि मैं लोअर मिडिल क्लास से आता हूँ, तो इतना पैसे नहीं होते कि मैं इन गाड़ियों को परचेस कर सकूँ, अभी भी नहीं है, लेकिन अभी धीरे धीरे करके सेटलमेंट हो रहा है। लेकिन आई विल ट्राई कि अगर ऐसा कुछ मिले मेरे को तो आई लव टू, बट अभी नहीं है वैसी कंडीशन। बट या आई डेफिनेटली लाइक दिस बाइक, मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूँ इस गाड़ी से, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद थी। बोलते हैं ना जिस गाड़ी का फोटो लगाते हो अपने कमरे में, ये वही गाड़ी थी जिसका मैं फोटो लगाता था। हालांकि परचेस नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे को ऐसा ड्रीम था कि इस बाइक को लेना है, लेकिन आज तक मैं ले नहीं पाया। बट आई रियली लाइक द वे इट इज़, क्योंकि इसका फ्रंट एंड भी बहुत अच्छा है, सिटिंग कंफर्ट भी बहुत अच्छा है। इवन मैंने चलाई भी इस गाड़ी को, ऐसा नहीं है कि नहीं चलाई है, बहुत पसंद है, काफ़ी टॉर्की लगता है। हालांकि टॉप एंड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन लो एंड मिड बेस्ट था। बट बोलते ना एक समय के बाद चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन आना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही लाइफ में भी होता है भाई, अगर एक समय के बाद आपको लगता है कि आगे इस चीज का, तो बदलना चालू करना चाहिए। वही बजाज ने किया है, इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू करके बदलाव लाके 250F लाया है, क्योंकि अभी डिमांड अभी हायर सीसी की ज्यादा है, ना कि लोअर सीसी। और ये कहीं ना कहीं कंपटीशन में लैग भी कर रहा था, कंपटीशन में बहुत सारे अपडेट्स आ चुके थे, इस गाड़ी में वैसे कुछ अपडेट्स थे नहीं। इस कारण से कंपनी ने सोचा क्यों ना इसको हटा के एक नया ही मॉडल डिजाइन दिया जाए, जिससे लोग उस गाड़ी को परचेस कर सके एंड उस गाड़ी पे ज्यादा फोकस कर सके, क्योंकि इस गाड़ी की सेल्स काफी कम हो चुकी थी, लगभग ना के बराबर ही था। जब से पेट्रोल प्राइस और बढ़े तो काफी कम हो गए इस गाड़ी के चाहने वाले, और लोग अब दूसरी 200cc की बाइक्स ले रहे थे जिसकी पावर इससे काफी ज्यादा है, लुक में भी नया है, और साथ ही साथ उसमें फीचर्स भी आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस कारण से इस गाड़ी की जो वैल्यू होती है ना, ब्रांड वैल्यू कम होती जा रही थी, और कंपनी ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। हाँ, ये थोड़ा दुखद लगा मेरे को कि यार एक ऐसी गाड़ी जिसने एक रेवोल्यूशन लाया था स्पोर्ट नेकेड बाइक में, वही अब खत्म हो रही, वो एरा खत्म हो चुका है, अब इसका नेक्स्ट स्टेज आ चुका है। अब तो स्पोर्ट्स बाइक और हाई सीसी बाइक, हाई परफॉर्मेंस बाइक आपको देखने को मिलती है, लेकिन स्टिल काफ़ी लोगों के दिल में रहेगी ये गाड़ी, मेरे दिल में भी है, शायद आपके दिल में भी हो। अगर ये कहीं पॉइंट अपना टच हो पाया, आप सब्सक्राइबर हो, मैं एक क्रिएटर हूँ, अगर अपन दोनों एक जगह भी टच हुए इस गाड़ी से रिलेटेड, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, मेरे हिसाब से तो ठीक ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, प्लीज़ शेयर करना। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।